अभी हम अशोक तिवारी का रुख कर लेते हैं। अशोक बाराबंकी में इस वक्त हम उनको देख पा रहे हैं। अशोक, आपके पीछे भी काफी अच्छी तस्वीर है, पहली तस्वीर चुनाव की अशोक, और कितने मतदाता अभी सुबह सुबह पहुंच रहे हैं, दिखा दीजिए। बिल्कुल आशा, इस वक्त मैं बाराबंकी का जो GGIC यानी कि जो इंटर कॉलेज है वहां पर मौजूद हूं, और सुबह से ही यहां पर जो मतदाता हैं उनकी बड़ी भीड़ यहां पर देखी जा रही है। यानी कि 7 बजे से ही यहां के मतदाताओं में जबरदस्त जागरूकता देखने को मिल रही है। मैं पहले आपको यहां के तमाम सारे लोगों को तस्वीरों के माध्यम से दिखाता हूं कि आप देखिए कि ये लोग मतदान करने के लिए सुबह से ही यहां पर मौजूद हैं। लेकिन उसके ठीक पहले मैं आपको इस कॉलेज में जो तैयारियां की गई हैं मतदान को लेकर उसकी एक तस्वीर दिखाता हूं। आप देखिए कि जो एंट्री गेट है उसको देखिए आप, पूरी तरह से जो गुब्बारे हैं उसे गया है। जो मेन गेट है वहां पर फूलों की जो लड़ियां हैं वो लगाई गई हैं। इसके अलावा अगर आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहां पर एक सेल्फी पॉइंट भी आपको नजर आएगा, यानी कि आप जब वोट देके आते हैं तो आप यहां पर सेल्फी भी ले सकते हैं, कुछ इस तरह का इंतजाम किया गया है। और जैसे जैसे आप इस जो मतदान केंद्र में आगे बढ़ते हैं तो जबरदस्त साज सजावट साज और सज्जा यहां पर देखने को मिल रही है। तो इस बूथ पर यानी कि GGIC जो इंटर कॉलेज है वहां पर जबरदस्त तैयारी आज इस पोलिंग बूथ पर फिलहाल मतदान को लेकर देखी जा रही है। दूसरी बात यह है कि हमारे साथ एक महिला मौजूद है जो कि वोट डाल दिया आपने। हम सरला श्रीवास्तव डाल दिया, वोट डाल दिया, वोट डाल दिया हमने। तो क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? हैं बस अपने निको लाना है। के मुद्दे हैं सब। किसको लाना है? मोदी। मोदी मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है? विकास क्या है? विकास के मुद्दे हैं ये। विकास के मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार। मुझे बताइए इस बार विधानसभा के चुनाव में क्या मुद्दे हैं? अरे विकास के मुद्दे हैं, विकास होना चाहिए, जनता चाहती है कि विकास होना चाहिए, अच्छा लाइट मिलना चाहिए, और कहा था किसान बहुत परेशान है, उसको छुटकारा मिलना चाहिए। किसान आवारा पशुओं के मामले में परेशान है? हाँ परेशान है, आवारा पशुओं बहुत है, जब से है किसान के फसल नहीं हो रही, रोड रखाते हैं किसान खत्म हो जाते हैं। बड़ा सबसे मुद्दा यही देहात में है कि आवारा पशु बांधे जाए। अच्छा, ये योगी जी ने तो कहा था, बीजेपी की सरकार ने कहा था कि जो गौशालाएं हैं उसका निर्माण कराया गया, कुछ राहत नहीं मिली क्या उससे? नहीं नहीं, निर्माण तो कराया गया है, मिला उससे राहत नहीं मिली है। बहुत 20-20 के झुंड आते हैं, चल जाते हैं खेत में, नुकसान हो जाता है। हाँ, खेत में है, और योजना इनके बहुत अच्छी है। तो ये अभी चूंकि बहुत शुरुआत है, बहुत जो लोग हैं अभी वो आना शुरू हुए हैं। तस्वीर एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूं कि आप देखिए कि यहां पर ये जो जिस बूथ पर मैं मौजूद हूं यहां पर उत्साह भी लोगों में देखने को मिल रहा है। और सबसे खास बात यह है आशा कि बाराबंकी में जो 6 विधानसभा की सीटें हैं उसमें पिछली बार बीजेपी ने 5 विधानसभा की सीटें जीती थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। तो इस बार बीजेपी के लिए यहां पर अपना पुराना प्रदर्शन दोहराना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनके सामने एक बड़ा गठबंधन भी है। और भी देखिए तमाम सारे लोग यहां पर मतदान करने के लिए आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। आमिर, मुझे बताओ इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं? बेरोजगारी, महंगाई और किसान समया, पेट्रोल तेल, महंगाई बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है आपका? सबीना बानो। आप मुझे बताओ कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं, किस आधार पर मतदान होगा? चलिए कोई बात नहीं है, आप क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अरशद। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव जी? मुद्दे यही है, महंगाई है बस, और क्या है, मान के चलिए हर चीज महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल वगैरह सब जो है किसान के ऊपर अत्याचार हो रहा है, यही सब है मान के चलिए। अच्छा, तो आप देखिए कि अभी जैसे जैसे लोग निकलना शुरू हो रहे हैं तो उनके मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। महंगाई एक बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है, कोई राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मतदान कर रहा है, किसी के लिए आवारा पशु एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसे मिले जुले मुद्दे हैं इस बार विधानसभा के चुनाव में जो फिलहाल लोगों के माध्यम से हम लोग जान पा रहे हैं। वोट डाल दिया आपने? जी सर जी। हर बार अशोक हम देखते हैं, आते रहेंगे आपके पास अशोक, हर बार यही देखते हैं हम कि अचानक जैसे जैसे दिन चढ़ता चला जाता है, लोग जब निकलते हैं अलग अलग बयान उनके सामने आते हैं, मुद्दे भी बदलते हैं, तो वो बेहद दिलचस्प होता है सुनना। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आज फील्ड से एक बार फिर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, सबसे निष्पक्ष सबसे बड़ी तस्वीर News 24 पर इस चुनाव की, 5वें चरण की। आधा चुनाव याद रखिए बीत चुका है, एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं तुरंत इन्हीं चेहरों के साथ वापस। आप देखते रहिए News 24 की मेगा कवरेज।